हाय एवरीवन, आज मैं सैटरडे रूटीन दिखा रही हूँ। मैं अपने हेयर में अनियन का जूस लगाई हूँ घर पे निकाल के। इसका रिव्यू मैं आप लोग को थोड़े दिनों में दूंगी। आज से ही मैंने स्टार्ट किया, सुनती हूँ हेयर फॉल नहीं होता है इससे। सैटरडे थोड़ा मैं अपना स्किन केयर, हेयर केयर और होम केयर करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा क्लिनिक नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे। मैं अपने यहाँ फेस को स्क्रब कर रही हूँ, अपने लिप्स को भी बहुत अच्छे से स्क्रब करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा 1 वीक लिप ग्लॉस, ग्लासेस, लिपस्टिक लगाती हूँ, तो उसको स्क्रब करना ज़रूरी है। यहाँ मैं लोटस का फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। लोटस के प्रोडक्ट मैं स्टार्टिंग से यूज़ करती हूँ, मतलब कॉलेज टाइम से यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद आता है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ये थोड़ा सा हर्बल है और बेसिक है। मतलब अगर आप पूरे वीक में एक बार पैक लगाते हैं और स्क्रब करते हैं, क्लींस करते हैं, तो ये ठीक है, अपने बजट में भी है और ठीक लगता है मुझे। और मैं एवरी सैटरडे कॉम को क्लीन करती हूँ अपने, क्योंकि कॉम गंदे नहीं होने चाहिए। अगर आपके कॉम गंदे रहेंगे तो आपके स्कल्प गंदे होंगे और दाने निकलेंगे और फिर हेयर फॉल भी हो सकता है। मैं ये सब करने के बाद अपना थोड़ा सा वॉश बेसिन क्लीन करती हूँ। वैसे मैं डेली करती हूँ, बट सैटरडे के दिन अच्छे से लिक्विड वगैरह डाल के करती हूँ। हमारे यहाँ 2 वॉशरूम है, तो एक वॉशरूम हस्बैंड क्लीन करते हैं सैटरडे वाले दिन और एक वॉशरूम मैं क्लीन करती हूँ। वैसे मैं अपना वॉशरूम जो होता है वो मैं अच्छे से डेली ही क्लीन करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सैटरडे वाले दिन। तो क्लीन करते करते मेरा फेस पैक सूख जाए यही सोच रही हूँ, और फिर मैं शावर ले लूँगी, बट मुझे लगता नहीं है मेरा फेस वॉश ड्राई होगा। क्या कर रही थी? आज यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ठंडा, बहुत ही अच्छा है। 2 दिन से थोड़ी गर्मी पड़ रही थी यहाँ से, लेकिन आज मानसून पता नहीं कल कैसे आ गया। मेरा फेस पैक एक्चुअली ड्राई नहीं होता, तो मैं फ़ैन के नीचे आ गई ड्राई करने के लिए, क्योंकि ड्राई नहीं होता है तब तक वॉश करने में मज़ा नहीं आता है। तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं आप मिकी माउस लग रहे हो। अच्छा, दिया। और मैं यहाँ शावर लेके उसके बाद आ गई। फेस बहुत अच्छा सा फील हो रहा है और हेयर भी ठीक लग रहा है, बस थोड़ी सी गंदी सी स्मेल सी आ रही है। लिप्स भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से स्क्रब किया था। और मैं यहाँ विटामिन सी लगा रही हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर आप अपने फेस को स्क्रब करते हैं तो उस दिन स्किन केयर करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से पोर्स ओपन हो जाते हैं तो सारे प्रोडक्ट अंदर चले जाते हैं स्किन में, और मेरे हेयर में थोड़ी सी वो अच्छी सी गंदी सी स्मेल आ रही है किसकी, अनियन की। बट मैं इसका भी कुछ तरीका सोचती हूँ। और काजल मेरा फेवरेट है, मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ, घर में रहूँ बाहर जाऊँ, बिना काजल मैं कुछ भी लगाऊँ चलेगा, लेकिन काजल ज़रूर लगाती हूँ। और मैं लिप्स पे अच्छे से आज के दिन मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट वो वैसलीन लगाया। और मैं हेयर सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि सीरम हमेशा रब करके अपने पाम में लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ कहती है मम्मी मेरी किया, जब हेयर वॉश किया करो तो सिंदूर जरूर लगाया करो, तो मैं थोड़ी बड़ों की भी बात मानती हूँ, क्योंकि बड़ों की बात माननी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उनके जो होते हैं। और थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाया, वो भी ज़रूरी है। और मैं बिना, मुझे डियो और फ्रेगनेंस बहुत पसंद है, बट मैं अपनी बॉडी में कभी फ्रेगनेंसेस डियो नहीं यूज़ करती। मैं डियो क्लोथ पे लगाती हूँ। आज मैं पूजा करने में लेट हो गई, तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, मेरी डॉटर कुछ मुझसे पूछ रही है, बातें कर रही हूँ, तो लेट बहुत हो गया। आज मैं ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट खाया, मेरे हस्बैंड उठ गए, वो भी अपने रूटीन वर्क में लग गए, और मैं किचन में जा रही हूँ, अब कुछ बनाऊंगी खाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।